The question is, what are the points on the y-axis whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1 is 4 units. So let's see how we will solve this problem. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं. एक लाइन आपको गिवन है विच इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. मीन्स इसका x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो है 3 यूनिट और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो है इसका 4 यूनिट. तो अभी तो हमें ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं बाकी के पॉइंट्स पे डिस्कस करना शुरू कर देता हूँ. इन द क्वेश्चन ही वॉज आस्किंग कि y एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स हैं. अब क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है कि एक पॉइंट है या दो पॉइंट है, पर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे विजुअल करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम लेंथ के दो पॉइंट आपको मिल सकते हैं. तो पहले तो क्वेश्चन की बात करें. ही वाज सेइंग कि वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां से मैं लाइन पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आपको 4 यूनिट मिलता है. पर आप थोड़ा सा यहाँ पे विजुअल कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 4 यूनिट मिल रहा है तो एक लोकेशन आपको और भी मिलेगी जहां पे सेम डिस्टेंस मिल सकती है या इनफेक्ट मिलेगी. तो हमारा टारगेट है हमें ये 0k1 या फिर 0k2 k1 k2 की वैल्यू पता करनी है. अब इन जनरल अगर मैं बात करूं तो मुझे इस पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसकी लोकेशन क्या होगी, तो मैंने ऐसे ही कंसीडर कर लिया कि लेट द पॉइंट इज योर 0k और ये वो पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा क्योंकि इसमें एब्सिसा की वैल्यू 0 है, मतलब द एक्स एक्सिस इज योर 0. तो 0k से अगर मैं गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर प्लॉट करूं तो वो 4 यूनिट के बराबर होना चाहिए. दैट इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन. अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर की. सपोज आई हैव ए पॉइंट Px1, y1 और एक लाइन हमारे पास है Ax प्लस By प्लस C इज इक्वल टू 0. अगर मैं गिवन पॉइंट से गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होता है Ax1 प्लस By1 प्लस C एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के. तो चलिए अप्लाई कर देते हैं. इक्वेशन आपके पास है x अपॉन 3 प्लस के y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. पॉइंट आपके पास है 0k जहां से आपने परपेंडिकुलर प्लॉट करना है और ये जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आपको दे रखा है दिस इज एक्चुअली 4 यूनिट. तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 0 प्लस के बाई 4 माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 अपॉन, इनफैक्ट आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 16 के. ठीक है, चलिए अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये डाटा हमें मिलेगा, दिस डाटा यू विल गेट के माइनस 4 बाई 4, इसका मॉड आपको लेना पड़ेगा डेट इज 4. और इसके बाद आप यहां पे चेक कर सकते हैं ये बनेगा 16 प्लस, डेट इज 16 प्लस 9 अपॉन 16 इंटू 9. तो ये 16 से 4 आप ये कैंसिल कर सकते हैं और ये डाटा बराबर होना चाहिए 4 यूनिट के जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है. अब चलिए बात करते हैं कि फर्दर हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू, यू कैन चेक इट इजिली, दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू 4k. या फिर k माइनस 4 के मॉड को आप लिख सकते हैं 20/3k. और यहां से k की दो वैल्यूज आपको मिलने जा रही हैं, तो चलिए दोनों वैल्यूज पता कर लेते हैं. दैट इज k माइनस 4 इज इक्वल टू 20/3, एक वैल्यू ये मिलेगी और दूसरी वैल्यू होगी k माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 20/3k. सो k इज योर, इट इज 12 प्लस 20 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 32, दैट इज 32/3, एक k की वैल्यू ये आ रही है और दूसरा आपके पास है 4 माइनस 20/3k और आप इसे लिख सकते हैं 12 माइनस 20/3 और वी कैन से दिस इज इक्वल टू माइनस 8/3k. तो फाइनली यहाँ पे दो वैल्यूज हमें मिली है, एक वैल्यू हमारे पास है k इज इक्वल टू माइनस 8/3 और एक वैल्यू हमारे पास है 32/3. और कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक कोऑर्डिनेट होगा 0, -8/3, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे लाई करेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा 0, 32/3k. और ये वो दो पॉइंट है जहां से गिवन लाइन पे अगर आप परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो उसकी लेंथ आपको 4 यूनिट मिलेगी.